हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय सेल्फ पूजा लिम्बानी फ्रॉम यूनिटी पब्लिक स्कूल कामरेज, स्टैंडर्ड 5th, सब्जेक्ट EVS, चैप्टर 15, ब्लू हॉट ब्लू कॉल्ड। यहाँ पे मैंने आपको पूरी वर्कशीट दी है, उसके साथ आंसर भी दिए। आपको पहले आंसर खुद से लिखने हैं, बाद में आंसर के साथ टैली करके पूरी वर्कशीट आपको फिलअप करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, योर हार्ट बीट्स फास्टर व्हेन यू रन और वॉक फास्ट। जब आप चलते हैं तेज़ी से, जब आप चलते हैं तो आपका दिल तेज़ी से धड़कता है, तो यहाँ पे आएगा राइट, ऐसा होता है। सेकेंड, द एयर, ओके, यहाँ पे एयर आएगा, एयर यू ब्रेथ आउट ऑफ योर नोज इज कूल। आप जब हवा लेते हैं तब आपके नाक से, जब आप बाहर निकालते तब आपके नाक से कितनी कैसी ठंडी कैसी हवा आती है, ठंडी, यहाँ पे कूल दिया है तो ठंडी हवा आती है, नो, गर्म हवा आती है, हॉट आती है, ओके, यहाँ पे रॉन्ग आएगा। एयर एंटर्स योर लंग्स फ्रॉम योर नोज, ओके, हमारे नाक से, हम जब सांसें लेते हैं तो हमारे नाक से हमारे फेफड़ों तक जाती है, तो यहाँ पे आएगा राइट। अ डॉक्टर यूज अ थर्मोमीटर टू लिसन योर हार्ट बीट। हमारे दिल धड़कने की आवाज़ डॉक्टर कैसे सुनते हैं, थर्मोमीटर से सुनते हैं, टेटोस्कोप से सुनते हैं, टेटोस्कोप आएगा, यहाँ पे थर्मोमीटर है तो यहाँ रॉन्ग कर देंगे। फिफ्थ है, यू कैन लिव विथआउट ब्रेथिंग फॉर अबाउट 1 आवर। एक घंटे से आप सांस नहीं लेते हैं तो क्या आप जी पाते हैं, नो, तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग। द एयर कमिंग आउट ऑफ आर माउथ कैन बी हॉट और कॉल्ड एज कंपेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड, ओके, आप बाहर से टेम्परेचर से आप अपने अंदर और बाहर की हवा चेक कर सकते हो, थर्मोमीटर से आप कंपेयर कर सकते हो कि आप जब भी ब्रेथ आउट एंड ब्रेथ इन, आप जब भी सांस लेते हो और निकालते हो तब कैसी हवा आती है, हॉट एंड कॉल्ड, ठंडी या गर्म, तो आप थर्मोमीटर से ये कंपेयर कर सकते हो, तो यहाँ राइट आएगा, यहाँ पे राइट आएगा, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द फर्स्ट ऑन मीटिंग अ कॉल्ड सरफेस, खाली जगह चेंज टू खाली जगह। तो यहाँ पे है जो ठंडी हवा आती है, जो ठंडी हवा होती है वाटर वेपर, वो एक हवा के जल के वाष्प में चेंज हो जाती है, वो बदल जाती है, किस में, वाटर, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, पानी की बूंद में बदल जाती है, ओके, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट में वाटर वेपर एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वाटर वेपर एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सेकेंड, अ डॉक्टर यूजेस अ खाली जगह टू लिसन टू योर हार्ट बीट। डॉक्टर हमारे हार्ट बीट को कैसे चेक करते हैं, तो स्टेथोस्कोप से, तो यहाँ पे आएगा स्टेथोस्कोप। थर्ड, खाली जगह एयर इज लाइट एंड ब्राइट, तो कैसी हवा लाइट होती, हल्की होती है और ज़्यादा प्रकाशित होती है, यानी हॉट एयर, ओके, हॉट, गर्म हवा, तो यहाँ पे आएगा हॉट। फोर्थ, खाली जगह एंड खाली जगह एग्जाम्पल ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट वी ब्लो एयर इनटू द प्रोड्यूस साउंड। तो हम हवा को फूंकते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट में हवा को फूंकते हैं, तो उससे ध्वनियाँ पैदा होती है, ओके, तो ऐसे दो इंस्ट्रूमेंट के आपको नेम देने हैं, तो यहाँ पे फ्लूट एंड बीन, ओके, बंसरी एंड बीन, ओके। एंड फिफ्थ है, हॉट एयर इज खाली जगह एंड कम खाली जगह, ओके, हॉट नहीं, यहाँ पे कोल्ड आएगा, ओके, कोल्ड एयर, ओके, कोल्ड एयर कैसी होती है, हैवी, ज़्यादा भारी होती है और हल्की होती है, ओके, ज़्यादा भारी और नीचे होती है। एंड सिक्स है, द एयर वी ब्रेथ आउट कंटेंट्स खाली जगह विच टर्न्स टू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कॉल्ड सरफेस। जब हवा का जो लहर, मतलब हवा का जो सतह आता है, वो हम जैसे कि उसे
हवा को हम जब सांस लेते हैं तो वो वाटर वेपर यानी हवा में बाष्प होता है, और उससे काम उससे क्या बदल जाता है, वाटर ड्रॉप्स ऑफ वाटर पानी की बूंदों में बदल जाता है, तो यहाँ पे आएगा वाटर वेपर। थर्ड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हैव यू वार्म योर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड, हाउ डज इट फील, कि आपने सर्दियों में कभी भी आपके हाथ अपने हाथ गर्म किए हैं तो कैसे किए, तो ठंड लगने पर उन पर आप अपने हाथ को गर्म करेंगे तो आप क्या फील करते हैं, तो यस आई ऑफ्टन वार्म माई हैंड्स, हाँ मेरे हाथ को मैंने सर्दियों में गर्म किए हैं और उससे क्या फील होता है, देम व्हेन दे आर कोल्ड, जब ठंडी हवा होती है तब, विंटर में ठंडी हवा होती है तो इट फील वार्म एंड कॉजी, जब हम हमारे हाथ को ऊपर रखते हैं तो वार्म यानी गर्म और आरामदायक होता है। सेकेंड, ब्लो हार्ड from your mouth on to your hand, how did you find the air from your mouth as compared to the air around, was it hotter and hotter or cooler, और आप मुंह से अपने हाथों को मुंह से आपके हाथों में अपनी आपकी जो भी हवा अंदर की हवा आप जब भी सांस लेते हो और बाहर निकालते हो तो अंदर की हवा कैसी होती वो आप चेक कर सकते हो। ओके, ऑन ब्लोइंग हार्ड फ्रॉम द माउथ ऑन द हैंड्स, आपके हाथों में आप हवा को फेंकते हो, फूकते हो। ओके, द एयर फ्रॉम द माउथ फील्स हॉटर एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड, आपकी बाहर की हवा जो होती है उससे ज़्यादा गर्म लगती है ना। थर्ड, कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडीज और प्लेजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इन टू दैम, सम ऑफ द थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडीज और प्लेजिंग साउंड वी व्हेन वी ब्लो इन टू दैम आर बीन, फ्लूट, पुंगी शहनाई एंड बैंजो। ओके, जो मधुर और मनभावक ध्वनियाँ पैदा करती है वैसी आपको इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे इसके नेम लिखने हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट के नेम लिखने हैं, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो मनभावक और मधुर आवाज़ को ध्वनियाँ को पैदा करती है, तो वो है बीन, फ्लूट, ओके, पुंगी, शहनाई एंड बैंजो। यहाँ पे जो टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोड्यूस साउंड बाय ब्लोइंग एयर इनटू देम इन द स्पेस गिवन, यहाँ पे स्पेस जगह आपको दी गई उसमें से आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप उसके अंदर हवा को फेंकते हो और उससे साउंड पैदा होता है, साउंड ध्वनियाँ निकलती है, ऐसे आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉ करने हैं। मैंने यहाँ पे ढोलक और बीन दिया है तो आप कोई और भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट यहाँ पे पूरी हो गई।